subscribe and press the bell icon to never miss a video from NYOOOZ. An Uttar Pradesh police constable shot dead unarmed sales manager Vivek Tiwari of Apple, India during early hours on Saturday in Lucknow. Constable Prashant said he acted in self-defense as the man tried to run over him. While describing the whole incident, the constable said, "At 2 a.m. last night, I saw a suspicious car with its light off. When I approached the car, the driver, Vivek Tiwari, tried to run over me thrice to kill me. I fired a bullet in self-defense. He then immediately took off from the spot." 38-year-old Vivek Tiwari, an assistant sales manager of Apple India, was in a car with an ex-colleague when the incident took place. इसमें मौके पर आला अधिकारी सभी अधिकारी वहां पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया गया। इस पूरे प्रकरण में जो बात घटनास्थल से और प्रत्यक्षदर्शियों से निकल करके आई है कि जब वहां पर ये गाड़ी खड़ी थी और इनसे जब संदिग्ध कुछ गतिविधि वहां पर पुलिस को लगी, पुलिस ने जब पूछताछ की तो गाड़ी जो गाड़ी थी वो आगे चल के पुलिस की मोटरसाइकिल को हिट की है, जिससे उसकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिस कर्मी भी वहाँ पर चोटिल हुए। जब गाड़ी फिर बैक हुई तो जैसा कि बताया गया है कि बैक होने के बाद जब फिर गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो पुलिस कर्मी ने वहाँ पर जो कॉन्स्टेबल है प्रशांत चौधरी, उसने एक फायर किया जो उसकी विंडशील्ड पर लगा है गाड़ी की और विंडशील्ड को पार करते हुए अंदर चला गया। इसके बाद गाड़ी वहाँ पर बहुत तेज स्पीड से आगे को निकली, आगे चल के अंडरपास के पास एक खंभे पर टकराई। इस पूरे घटना में जो मृतक हैं इनके मृत्यु जब गाड़ी टकराई है उसके बाद एक्सीडेंटल चोटों से भी या बुलेट से भी है, इसका सही जानकारी पोस्टमार्टम के बाद हो पाएगी। फिलहाल जो है जो सना है इनके तहरीर के आधार पर अंतर्गत आईपीसी 302 मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही कांस्टेबल प्रशांत चौधरी और संदीप को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है। Constable Prashant and his colleague Sandeep Kumar were arrested after police registered an FIR on Vivek Tiwari's wife Kalpana's complaint. NYOOOZ Desk.